नमस्कार। देखिए, ये जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ पर दर्द बड़ी सामान्य सी बात है, जैसे ये कुल्हे का दर्द हो या यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में, जब इस रीढ़ की हड्डी में यानी स्पाइन में हो तो उसको स्लिप डिस्क या कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जो मस्कुलर पेन होते हैं उनको हम किसी आसन से कुछ रिलीफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मस्कुलर पेन इसलिए भी हो जाते हैं, हम झटके से किसी चीज़ को उठाते हैं, ठंडे शरीर में कोई भी गर्म काम यानी हैवी काम कर लिया तो वो दर्द आ जाता है। कुल्ले वाला दर्द भी इससे सामान्य बात है, या जिनको साइटिका भी है, शुरुआती साइटिका, उसमें भी ये दो तीन आसन मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा जो है आपको सुकून देगा। मैं ठीक होने की गारंटी नहीं लेता कि एकदम से ठीक हो जाए, लेकिन आपको करते ही सुकून मिलेगा, और जो लोग नियमित रूप से समर्पित भाव से करेंगे तो ठीक भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दो दिन कर लिए फिर बाद में कहेंगे जी ठीक नहीं हो रहा, आप उसको करें, समर्पित भाव से करेंगे तो लाभ मिलेगा। तीन आसनों का मैं आपको कॉम्बो बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा लाभ है इसका। सीधा ऐसे लेट जाइए और मरकटासन या मेरुदंडासन आपने सुना होगा, जिनको कमर दर्द में हम काम लेते हैं। इसमें पहला जो है, पहला तो देखिए, सबसे पहला लेट के अगर आप सीधा ही करें तो ठंडे शरीर में ना करें, तो इसके लिए मैं आपको एक जो मॉर्निंग वॉक, लेट कर मॉर्निंग वॉक है, इसको तो आप अपने सब आसनों में डालिए। ये तो बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी चीज़ है, जो पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको बेस्ट बनाती है। तो ये मॉर्निंग वॉक तो आपको करना ही है। साथ में अब शुरुआत कैसे करना है, मॉर्निंग वॉक आपने 2 या 3 मिनट कर लिया तो शरीर में एकदम ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ेगा। दोनों पैरों को मिला लीजिए और मिलाकर हाथों को जो है वो साइड में खोल लीजिए। साइड में अगर बहुत जगह नहीं हो तो हाथों को ऐसे ग्रिप करके सिर के नीचे भी ले सकते हैं, इस तरीके से ले लीजिए। अब लंबा श्वास भरना, अब श्वासों को भरते हुए एकदम सामान्य हो जाए, और श्वास छोड़ते हुए जो हमारा घुटना है दोनों घुटनों को ऊपर नीचे बराबर लेते हुए और लेफ्ट साइड में जाए। अब लेफ्ट साइड में हम चले गए तो राइट साइड में जो है वो हमारा, या तो हाथ रखिए, गर्दन जो है वो राइट साइड में रहेगी, या फिर आप हाथ को यहां भी रखें तो भी एक सामान्य प्रक्रिया है। यहां करके आप श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और जब पूर्ण स्थिति पे आ जाए तो हल्का हल्का श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। इसका देखिए कहां खिंचाव आएगा, एकदम वही नस जिस नस के ऊपर आपको खिंचाव है, जिस नस पे आपको दर्द है, और कहां से कहां तक आएगा, ये आएगा यहां से लेके यहां तक। इस पूरे एरिया में आपको एक अच्छा खिंचाव महसूस होगा, और वो भी पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव खिंचाव नहीं, एक अच्छा खिंचाव महसूस होगा। आपको फील होगा यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप 1-1.5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट तक भी इसको लंबा खींच सकते हैं, हल्का हल्का श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। ये मूल चीज है कि जब आपको इफेक्ट लेना हो तो उसको लंबे समय तक करिए, ऐसे जल्दबाजी नहीं, किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। हाथों को चाहे तो साइड में खोल लीजिए और चाहे सिर के नीचे ले लीजिए। अब राइट साइड में आपने ये लिया श्वास छोड़ते हुए, तो दोनों घुटने बराबर, दोनों एड़ियां ऊपर ऊपर नीचे आ जाएंगी, और लेफ्ट साइड में मेरी गर्दन हो जाएगी इस तरीके से। ये जो है ये बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाला, उसमें भी जितनी देर आप लेफ्ट साइड में रुके उतनी ही देर राइट साइड में भी आपको रुकना है। ये एक क्रिया हुई, इसको 3 बार कर सकते हैं। आप इतना भी करेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे यहाँ कोई नाला सा खुल गया, जैसे आपका पानी बहता है ना, रुका हुआ नाला खुल जाता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन का नाला ऐसे खुल जाएगा, आपको अच्छा फील होगा। 1 नंबर। 2 नंबर, दोनों पैरों को इतना खोल लीजिए कि एक घुटना जो है दूसरी एड़ी के बराबर आ जाए, यानी यहां से लेके यहां तक इतनी दूरी का आपको पैरों को खोलना है, हाथों को वही साइड में, श्वास छोड़ते हुए जाना है लेफ्ट साइड में। अब ये जो राइट साइड का जो घुटना है वो लेफ्ट साइड की एड़ी के ऊपर आएगा और हाथ जो है वो साइड में रहेगा, देखना दाहिनी साइड है। जब बाईं साइड घुटना जाए तो दाहिनी साइड गर्दन होगी, कि ये एक निचोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अब इसमें जो खिंचाव आएगा वो यहां तो आएगा ही, साथ में इस जगह भी आएगा, तो यहां तो इस जगह आ रहा है, नीचे वाले हिस्से पे यहां आ रहा है, तो ये एक पूरा हिस्सा जो है इसको हमने खिंचाव दे दिया। इसी प्रकार श्वास भरते हुए सामान्य और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में गर्दन, राइट साइड में घुटना। अब देखिए ये घुटना जो है, इस घुटने को नीचे वो जो घुटना है वो एड़ी के ऊपर रहेगा। बस इतना ध्यान रखें, ये चीजें जो है ये समझ के करेंगे ना तो इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी 1 मिनट रुकिए, हल्का श्वास लीजिए, हल्का छोड़िए, हल्का लीजिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए सामान्य अवस्था में, और श्वास भरते हुए आप रिलैक्स करें।
ये दो क्रियाएं। अब इसका काउंटर करने के लिए हमें तीसरी क्रिया चाहिए और उस क्रिया का नाम है सुप्त बद्ध कोणासन। दोनों पैरों को आपस के अंदर मिलाइए, जब वो दोनों आसन कर लेना तो यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को रिलैक्स भी करना है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन भी पहुंचाना है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे के हिस्से में बहुत अच्छा, जो इतना एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड के पीछे, उस एरिए को पूरा एकदम स्टिमुलेट कर देता है। बहुत अच्छा आसन है ये, इसको भले ही यहाँ करके इसको चाहे तो हिला सकते हैं, नहीं हिलाना हो तो कोई बात नहीं, आप इजी रखिए, दोनों पाँव को आपस में आप ऐसे मिला लीजिए पंजे को, और हाथों को जो है चाहे तो साइड में कर सकते हैं, चाहे हाथों को यहाँ रख सकते हैं, और सुप्त बद्ध कोणासन में जैसे हाथ ऊपर जाता है वैसा हाथ ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इफेक्ट जो है कमर पे लेना है, तो हाथों को यहाँ पर रखना उचित रहेगा। अब यहाँ सामान्य अवस्था में श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। इस आसन में आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आपको इजी लगे उतना कर सकते हैं। दोनों जो हमारे घुटने हैं वो दोनों साइड में खींचते रहेंगे, और जितना आप खींच सके उतना इसको खींचिए, सामान्य एकदम श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। महसूस कीजिए जो आपके कूल्हे और कमर की जो पीठ के हिस्से में जो खिंचाव है, जो कड़ापन है, उस कड़ेपन को ये आसन बहुत अच्छा रिलीफ, बहुत अच्छा सुकून दे रहा है। अब करना कब है ये टाइमिंग आप जानिए, इसको भी 3 बार करना है तो 9 क्रियाएं हो गई, यानी 3 क्रियाओं को 3 बार तो 9 बार हो गया ना। अब इसको करना कब है, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले, ये टाइमिंग इसमें रहेगी। पेट में जो है बहुत ज्यादा भारीपन नहीं होना चाहिए, यानी पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाली पेट हो, और इसको करके आप फिर जब यहाँ से सामान्य हो जाए तो अनुलोम विलोम 15 मिनट जरूर करिए। देखिएगा जिन बीमारियों, यानी ये कोई बीमारी नहीं है, ये खिंचाव है, और इसके लिए हम बहुत पैसा भी लगा चुके होते हैं। कई बार हम जो है हॉस्पिटल्स में बहुत पैसा लगा देते हैं, जबकि ये कोई ऐसा रोग नहीं, ये तो मसल्स का खिंचाव है जिसको आप अपने हाथों से ठीक कर सकते हैं, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें कुछ करिए। मैं ये मानता हूँ कि 100 लोगों को अगर ऐसी समस्या है तो उसमें से 60-70 लोग जो है वो तो ठीक होंगे पक्का, बाकी 30-40% है उसमें कोई अगर टिपिकल मामला है तो वो फिर डॉक्टर की राय लीजिए, औरतों की राय लीजिए, और अपने किसी विशेषज्ञ से जो है मशवरा करके उसमें कोई चीज़ करिए। लेकिन सामान्य अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास लोग आते हैं जिनसे बात होती है, उसमें मुझे समझ में आता है कि ऐसे ही रोग है जो कोई गंभीर नहीं है, सामान्य अवस्था है। तो ये इस तरीके से करिए, आपको लाभ मिले ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।